नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे चैनल में। फिर से एक बार मैं हूँ आपकी वही अंजलि। आज हम बात करेंगे कि सिंह राशि के लिए दूसरा सप्ताह कैसा रहेगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये मेरा नया चैनल है, इस पर आपको सिंह राशि की वीडियोस मिलेंगे। इस चैनल पर आपको डेली राशिफल, वीकली राशिफल और मंथली राशिफल भी मिलेगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाइए और साथ ही में ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। तो चलिए बात करते हैं 9 तारीख से लेकर 14 तारीख का राशिफल आपके लिए क्या कहता है। इस वीडियो में हम स्टूडेंट्स, लव लाइफ, करियर, बिजनेस, हेल्थ, इन सब के टॉपिक कवर करेंगे, तो आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। सबसे पहले जिनका बर्थडे है या एनिवर्सरी है उनको मेरी तरफ से ढेर सारी गुड विशेस। तो चलिए शुरू करते हैं। चिंगारी का खौफ ना दो हमें, दिल में आग का दरिया बसाए बैठे हैं। जल जाते कब के इस आग में, मगर खुद को आंसुओं में भिगोए बैठे हैं। मरने वालों को रोने वाले हजार मिल जाएंगे, मगर जो जिंदा है उसे समझने वाला एक भी नहीं मिलता। आपको भी कभी कोई समझने वाला नहीं मिला, पर आप चिंता मत करें, आप सिर्फ अपनी मंजिल पर ध्यान दें। लोगों को अपने आप एक दिन आपकी अहमियत पता चल जाएगी। रुखसत हुए तेरी गली से हम आज कुछ इस कदर, लोगों के मुंह पे राम नाम था और मेरे दिल में बस तेरा नाम था। कभी पत्थर की ठोकर से भी आती नहीं खरोच, और कभी एक जरा सी बात पर इंसान बिखर जाता है। आपको कभी भी किसी की बात को दिल पर लगाकर बिखरना नहीं है, आपको हर कदम पर संभल कर चलना है। तो चलिए बात कर लेते हैं 9 तारीख से लेकर 14 तारीख का राशिफल क्या कहता है आपके बारे में। सबसे पहले बात करते हैं 9 और 10 तारीख की। तो चंद्रमा आपके तीसरे भाव में मंगल और राहु के साथ रहेंगे। धन से जुड़े बड़े बड़े काम आपके बन रहे हैं। माता पिता से आपको धन मिल सकता है, धन अर्जित करने के मौके भी मिलेंगे। लेकिन चंद्रमा और शनि की जो युति बन रही है वो आपको बड़े बड़े फैसले लेने में विघ्न पैदा कर सकते हैं। मन में क्रोध हो सकता है, चिड़चिड़ापन भी देखने को मिलेगा। सावधानी बरतेगा तो अच्छा रहेगा। कागजी कार्यवाही भी देखकर करें। परिवार में कला कलेश हो सकता है, कुटुंब में लड़ाई झगड़ा हो सकता है। दिमाग को शांत रखिएगा, माता पिता का खास ध्यान रखिए। पिता और पुत्र का झगड़ा भी इस समय में हो सकता है, फैमिली का सपोर्ट नहीं मिल पाएगा, अपने क्रोध पर काबू रखें। सभी कामों में रुकावटें आएंगी, कोर्ट कचहरी में फिजूल का खर्चा हो सकता है या फिर हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। स्वभाव आपका खराब रहेगा, इस समय में किसी से भी अनबन आसानी से हो पाएगी, इसलिए आपको सावधानी अपनानी होगी। यात्राओं का योग बनेगा, बट मेरी आपसे सलाह है कि आपको यात्रा नहीं करनी चाहिए, चोट लगने के चांसेस हैं। स्टूडेंट्स के लिए भी ये समय कुछ खास नहीं है, मन परेशान रह सकता है, अपनी पढ़ाई को लेकर कॉन्सेंट्रेशन बिगड़ सकता है। बात करते हैं 11 और 12 तारीख की। तो स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। इस समय में पूरे लगन से आप पढ़ाई कर पाओगे और अच्छे फल ला सकते हो। अगर इस दिन कोई एग्जाम कंपटीशन आता है तो उसमें भी आपको अच्छा रिस्पांस देखने को मिल पाएगा। मैरिड लाइफ के लिए भी समय बढ़िया है, आप एक दूसरे के साथ अच्छा समय स्पेंड कर पाएंगे। यात्राओं का भी योग है, इस समय में आप घूमने फिरने जा सकते हैं, काम काज से रिलेटेड कहीं पर जा सकते हैं, आपका मन भी लगेगा। आपकी पर्सनालिटी में काफी निखार देखने को मिलेगा, मन भी खुश रहेगा। इस समय आपके लिए धन प्राप्ति का भी रहेगा, बिजनेस में आपको खूब तरक्की मिलेगी, मन लगेगा। कुल मिलाकर ये जो दिन है आपके लिए बहुत अच्छे साबित होंगे। कोई भी निवेश भी आपको कर सकते हैं, आपको बहुत फायदा होगा। लाइफ पार्टनर का पूरा सपोर्ट मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा, लाभ भी हो सकता है। हेल्थ की बात करें तो ये समय में आपको अपने स्वास्थ्य में कुछ सुधार देखने को मिल सकता है। पुरानी बीमारी से परेशान थे तो उसमें अब राहत मिलेगी, हर प्रकार से आप बेटर फील करेंगे। बात करते हैं अब 13 और 14 तारीख के। ये समय आपके लिए शुभ रहेगा, गुप्त धन मिलेगा, अचानक से धन मिल सकता है कहीं से कहीं। जो लोग शेयर से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको लाभ हो सकता है, कोई नई खुशखबरी भी मिल सकती है।
लव लाइफ की अगर बात करें तो उस समय में आपका प्यार अपने प्रीतम से 10 गुना बड़ा रहेगा। आपको अपने अंदर एक नया जोश महसूस होगा। आप अपने प्रीतम की तरफ काफी आकर्षित रहेंगे। आपको कोई अच्छी खबर भी मिल सकती है। स्टूडेंट्स की बात करें तो इस समय में बहुत ही खुश दिखाई देंगे। रिजल्ट आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अच्छे आएंगे। आप जिस चीज में अच्छा करना चाहते हैं उसमें बहुत बढ़िया करेंगे। आपके सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे। कोई भी फैसला इस समय में आप ले सकते हैं, उसका आपको आने वाले समय में बहुत ही फायदा होगा। टीचर्स और फ्रेंड्स का पूरा पूरा साथ भी मिलेगा। हेल्थ की बात करें तो कोई दर्द जो काफी देर से चल रहा था उसमें राहत महसूस होगी। हाउसवाइफ्स इस समय में खुश दिखाई देंगे। उन्हें कोई गिफ्ट या सरप्राइज पार्टी मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं उपाय की, तो रात को सोने से पहले एक गिलास पानी का भरकर अपने बिस्तर के पास रख दें और सुबह होते ही उस पानी को सूर्य को अर्पित करें। ऐसा करने से सभी नेगेटिव ऊर्जा जो है वो दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलेगा। धन्यवाद।